हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। अभी भाई मैं बताऊँ आपको, ये मेरी XUV500 ना मेरे लिए बहुत लकी है यार। मैंने इसकी रेस 9475 की अपनी इनोवा के साथ करी थी, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी यार। तो मेरे लिए बहुत लकी XUV है ये। इसके ओनर से भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। बहुत डिमांडिंग ड्रैग रेस है भाई ये। तो दोनों ओनर्स को मैं बुलाता हूँ एक बार। अगर 500 के ओनर से शुरुआत करते हैं तो ये हैं सिद्धार्थ भाई। भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सीधा इनोवा के बाद अब 700 के साथ रेस करने आए हो, क्या लग रहा है? 700 जीतेगी। यही अगर हम 700 के ओनर से बात करते हैं जो कि सबसे जीत जाते हैं Q2 के अलावा, और वो उससे भी जीत जाते हैं रोलिंग रेस में, तो भाई आपको क्या लग रहा है? भाई अपनी जीत जाएगी, 700 जीतेगी। ऑन पेपर ही काफी कुछ ज्यादा है, ज्यादा है। और फिर भाई दोनों ही महिंद्रा है। एक बार मैं ना आपको टायर प्रोफाइल दिखा देता हूँ इसकी। भाई ये आफ्टर मार्केट तो नहीं है ना, स्ट्रोक है ना? 235/65R17, 235/60R18। तो इसके टायर बड़े हैं, ये थोड़ी रोड ज़्यादा पकड़ के चलेगी। और अभी जो मेन सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, ओनर साइड हो जाओ प्लीज़। ये देखो भाई आप, अब आप मेरे को कमेंट में ये बता दो कि बल्कि कौन सी गाड़ी लग रही है। लग रही है ना 500 बल्कि, 700 भी अच्छी लग रही है, लेकिन ये थोड़ी सी गोलू मोलू सी बना रखी है। 500, 700 भी अच्छी है, लेकिन 500 थोड़ा बल्कि फील ज़्यादा देती है आपको। तो और पीछे से दिखाऊँ अगर मैं आपको, तो पीछे से भी देख लो भाई। ये देखो पीछे से भी नहीं, पीछे से 700 अच्छी लग रही है भाई। पीछे से 700 का वोट जाएगा। हाँ पीछे से 700 अच्छी लग रही है भाई। तो दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस कराते हैं भाई, देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं। थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन अगर पहले बता देते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि साजिश रच के रेस करते हो। तो वीडियो में बने रहें, आपको मज़ा आएगा। तो ये वाले भाई जो हैं 3-2-1 कर रहे हैं, लेकिन पहले अपनी रील बनाना ज़्यादा बड़ा मकसद समझ रहे हैं ये वाले भाई। तो रील बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। अरे बेटे 3-2-1 की गैल रील बना रहे हो। हाँ तो आशीष भाई चला रहे हैं, उसको प्रथम चला रहे हैं। रेडियो ट्रैक्शन ऑफ है, ईएसपी वगैरह सब ना ऑफ है ना, वो एसी ऑफ है, सीट बेल्ट ऑन है। ठीक है भाई, आपकी सीट बेल्ट ऑन है ना? मेरी भी सीट बेल्ट ऑन है भाई। ठीक है चलो चलो। तो भाई फर्स्ट राउंड शुरू होते हुए, ओए भाई झटका मारा ऐसा भाई, शुरू में ही आगे निकल आया, बम भी पीछे हो गया। कोई फायदा नहीं, कोई टक्कर ही नहीं है यार भाई। ये तो बहुत पीछे, पहले राउंड में ऐसा हो गया भाई, इनिशियली बहुत तगड़ा पिकअप जाए गाड़ी ने, बहुत जबरदस्त पीछे रह गया और गैप बनता ही जा रहा है भाई। रोक दे भाई, क्यों मजे ले रहा है? मजे आ गए तो बहुत पीछे, मजे आ गए तो मजे आ गए यार। अब यार देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये एक बाप के दो बेटे हैं यार, महिंद्रा के दो बेटे हैं ये, तो भाई ऑब्वियसली बात है यही जीतेगी। जीत गए भाई, 500 जीत गए, देख लो। तो ये आपकी डिमांड पे हो रही है रेस, जो भी हो रही है ना भाई, बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत लोगों का। हाँ तो इसीलिए ये हो रही है रेस। पूछते हैं बाकी उनसे कि कहाँ पे दिक्कत लगी उनको। भाई पहले राउंड की विजेता अपनी 700 रहती है आशीष भाई वाली, अपनी फेमसनेस बरकरार रखी है इसने, और जो आपकी 500 है वो हार जाती है भाई। तो अब दूसरा राउंड करते हैं और उसमें देखते हैं क्या हो सकती है भाई। एक तो फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, तो और RPM जाता है 4-5 तक, तो धड़ 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 करके उठती है, टायर सह नहीं पाते इतने, तो वही पीछे रह गई थी, फिर निकल गई। वो तो बाद में तो निकलनी थी, ये था कि इनिशियल में निकल जाए तो निकल जाए। तो और अभी हम बंदे भी यहाँ 4 थे। हाँ बंदे भी तुम 4 थे, और अब हम AC ऑन करेंगे और ट्रैक्शन भी ऑन करेंगे। अच्छा हाँ। और फिर गुंडा कर दी इतनी है भाई। भाई देख लो जल्दी फॉर्च्यूनर ले आओ, टक्कर मार देना इसमें। अभी थोड़ी पिकअप में मेरे को गड़बड़ हो गई थी, पर फिर भी देख लो भाई AC ऑन में आ रहे हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। 700 फीट से गैप बनाते हुए अब बढ़ता ही जाएगा भाई, मैं रेस रोक भाई साहब 120 की स्पीड पे रोक भाई, भाई ने ब्रेक ले लिया। अब जीतेगी देखना, अब जीतेगी ये जीत गई आगे। AC ऑन होने के बावजूद भाई, ट्रैक्शन ऑन होने के बावजूद फिर भी गाड़ी ने वही पिकअप रखा, उतना ही गैप बनाया। अब एक और दे देंगे चैलेंज, क्या XUV 700 को थोड़ा आगे निकल के हम पिक करते हैं। हाँ। निचोड़ना तो छोड़ो, पूरा उधेड़ ही रहे हैं, तो है? तो 500 का 10 मीटर आगे खड़ी कर देते हैं, कर ले भाई है ना। एक राउंड और ले रहे हैं, वो ऐसे ले रहे हैं कि जहाँ XUV खड़ी है हम यहीं खड़े हैं और यहाँ से रेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है ठीक है चलो, देख रहे हो भाई इतना थो और पीछे कर ले, फिर जब जीतना तुझे ही है और पीछे कर ले। लो भाई और भी पीछे कर लिए,
इतना डिफरेंस तो ठीक है, हाँ, इतना दो तीन गाड़ियों का है बीच में, हाँ, दो दो था, तीन गाड़ियों का, तीन गाड़ियों का डिफरेंस है। ये भाई ने चैलेंज दिया आशीष भाई ने, ओ भाई साहब, लो भाई, लो भाई, इसमें भी इधर देखो भाई, इसमें भी देखो भाई ये क्या बन रही है, लो भाई यार ऐसी ड्रैग रेस आपने मेरे ख्याल से पहले नहीं देखी होगी किसी ने। ये देखो भाई गैप देख लो, ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि गैप अच्छा खासा बन गया, फिर ब्रेक ले ली भाई, अरे वाह मजा आ गया, अरे प्यारी ठीक है 900 आ जाएगी कुछ दिनों में, 900 में तैयारी में, 900 तैयारी में। तो भाई रेस को कंक्लूड करते हैं, तो भाई देख लिया आपने लास्ट राउंड, लास्ट राउंड में तो भाई बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी 500 के साथ, तो यही है भाई, देखो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये दोनों महिंद्रा हैं, ये देखो ये वाला जो लोगो है ये पुराना महिंद्रा है, और ये वाला जो लोगो है ये नया महिंद्रा है जो बटरफ्लाई की याद दिला देता है। तो भाई कोई भी मैं कंपनी कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता था और आप सबको पता था कि जो गाड़ी डिसकंटिन्यू करके उसका नया वर्जन निकाल दिया तो ऑब्वियसली बात है नया वर्जन ही जीतेगा, लेकिन सिर्फ आप लोगों की हैवी डिमांड पे कि यज्ञ भाई इन दोनों की रेस कर दो, उसी लिए ये आज रेस हुई है W10 500 की और AX7 पेट्रोल 700 की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक देखिए तो बिना लाइक करे मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो भाई चिल चिलाती धूप में आप ही लोगों के लिए सिर्फ वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।